नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। चिली में जबरदस्त भूकंप, सुनामी की चेतावनी। दक्षिणी अमेरिका देश चिली में 8.3 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया है। इसकी वजह से राजधानी सैंटियागो में इमारतों को काफी नुकसान पहुंचा है। भूकंप के बाद सुनामी की चेतावनी जारी कर दी गई है। अधिकारियों ने बीती रात राजधानी के उत्तर में जबरदस्त लहरें उठने तथा कुछ तटीय शहरों में बाढ़ आने की खबर दी है। इस भूकंप के बाद न्यूजीलैंड ने देश के कुछ हिस्सों में सुनामी की चेतावनी जारी की है। भूकंप इतना शक्तिशाली था कि द्वीप के दूसरी तरफ अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स के लोगों ने भी इसे महसूस किया। अधिकारियों ने निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को क्षेत्र खाली करने के आदेश दिए हैं। बलात्कार के आरोपी सऊदी राजनयिक ने भारत छोड़ा। हरियाणा के गुड़गांव में नेपाल की दो महिलाओं के साथ बलात्कार के आरोपी सऊदी अरब के राजनयिक ने बुधवार को अचानक भारत छोड़ दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि हमें जानकारी मिली है कि सऊदी राजनयिक माजिद हसन अशूर ने भारत छोड़ दिया है, जिन पर नेपाल की दो घरेलू नौकरानी के साथ बलात्कार करने का आरोप है। राजनयिक होने के कारण वे कूटनीतिक संबंधों पर वियना समझौते के प्रावधानों के अधीन आते हैं। विदेश मंत्रालय ने सऊदी अरब के राजदूत को समन भेजा था कि वे अपने राजनयिक से अपराध की जांच में गुड़गांव पुलिस के साथ सहयोग करने के लिए कहे, लेकिन अभी तक दूतावास ने इसका जवाब नहीं दिया है। मोदी आरएसएस के खिलाफ नहीं जा सकते राहुल गांधी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने युवा कांग्रेस की बैठक में कहा कि आरएसएस अपना दृष्टिकोण थोपता है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आरएसएस के खिलाफ नहीं जा सकते। एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता के सवाल पर राहुल ने कहा कि आरएसएस हमेशा थोपता है, भाजपा हमेशा उसकी विचारधारा को मानती है, भाजपा आरएसएस के खिलाफ नहीं जा सकती, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नहीं।